अभिक्रियाओं को वर्गीकृत करना। संयोग अभिक्रिया, चूने पर पानी की क्रिया। इसके लिए आवश्यक उपकरण है चाइना डिश, पानी से भरा हुआ बीकर, ड्रॉपर, चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। चाइना डिश में कैल्शियम ऑक्साइड ले और ड्रॉपर की सहायता से उसमें पानी की कुछ बूंदे डालें। ध्यान से देखें क्या अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया के दौरान सिसकी जैसी आवाज आती है, चाइना डिश भी गर्म हो जाती है, अतः इसमें ऊष्मा भी अंतर्भूत है। यह ऊष्मानुमोची अभिक्रिया है। स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण होता है। यह संयोग अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट पर उष्णता का परिणाम। इस प्रयोग के लिए हमें फेरस सल्फेट, परख नली, ड्रॉपर और बर्नर या स्पिरिट के दिए की आवश्यकता होगी। एक परख नली में 10 मिली चूर्ण किए हुए फेरस सल्फेट के स्फटिकों को ले, चिमटे की सहायता से परख नली को पकड़कर स्पिरिट के दिए पर या बर्नर पर 10 मिनट तक गर्म करें। परख नली में जो पदार्थ है उसका रंग बदलते हुए देख सकते हैं। बाहर उत्सर्जित होने वाला वायु किस रंग का है ये देखें। याद रखें कि आपको ये वायु बिल्कुल सूंघना नहीं है। आप देखेंगे कि फेरस सल्फेट हल्के हरे रंग का होता है और गर्म करने के बाद जो वायु उत्सर्जित हुआ वह लाल रंग का था। कुछ समय बाद परख नली में रखा पदार्थ काले रंग का दिखने लगता है। 2FeSO4 7H2O से Fe2O3 अधिक SO2 अधिक SO3 अधिक 14H2O निर्मित होता है। गर्म किए जाने पर हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के स्फटिकों में अपघटन की प्रक्रिया होती है और फेरिक ऑक्साइड अर्थात Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड अर्थात SO3 का निर्माण होता है। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें हम कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे की कीलों के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। जंग लगी हुई लोहे की कीलें लें, सैंड पेपर की सहायता से उसे साफ करें और पानी से धोएं। लोहे की इस कील को कॉपर सल्फेट विलयन में 10 से 15 मिनट तक रखें, बाद में कील को निकाल लें। कील के रंग में आए बदलाव को ध्यान से देखें। अभिक्रिया में पहले कील का रंग इस्पाती धूसर अर्थात स्टील ग्रे था। अभिक्रिया के बाद कील का रंग कुछ लाल भूरे रंग का हो गया है और विलयन का रंग हल्का हरा हो गया है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने के बाद उस विलयन से कॉपर विस्थापित होता है, अतः इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe अधिक CuSO4 से हमें FeSO4 अधिक Cu मिलते हैं। युग्म विस्थापन अभिक्रिया, इस प्रयोग का उद्देश्य अभिक्रिया का प्रकार पहचानना है। इसलिए हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया देखेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, परख नली और ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। सोडियम सल्फेट अर्थात NO2SO4 और बेरियम क्लोराइड अर्थात BaCl2 दोनों रंग और रूप में साफ और पारदर्शक होते हैं। अब सोडियम सल्फेट अर्थात NO2SO4 को परख नली में लें और उसमें बेरियम क्लोराइड अर्थात BaCl2 मिलाएं। अभिक्रिया के बाद अवक्षेप के रूप में हम सफेद रंग के बेरियम सल्फेट को देख सकते हैं। सफेद रंग अवक्षेप BaSO4 का यौगिक और रंगहीन NaCl का निर्माण आयनों के पारस्परिक विनिमय का नतीजा है, इसलिए इसे युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।